यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले ये दूध हमने कढ़ाई में लिया है और ये अभी बॉयल पे है, एकदम उबल रहा है दूध। और इसको अभी हम काढ़ते हुए यानी कि पकाते रहेंगे और ये कुछ रबड़ी वाली कंसिस्टेंसी में जब आएगा बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर, तो ये मिठाई बनाने का स्टेप यहीं से शुरू होता है। आप दूध को ले लीजिए कढ़ाई में और जब वो बॉयल होने लगेगा और उसको चलाते रहिए जिससे कि नीचे लगे नहीं। ये देखिए, आप देख रहे हैं कितना गाढ़ा हो गया है। अभी हम इसको थोड़ा सा और गाढ़ा करेंगे। हमने यहाँ पर 2 लीटर दूध लिया हुआ है। अब हम यहाँ पर चीनी डाल रहे हैं लगभग, मैं कम मीठी बना रही हूँ तो मैं 300 से 400 ग्राम के आसपास चीनी यहाँ पर बस ले रही हूँ 2 लीटर दूध के लिए। ये दूध से बनाना है, खोए से आपको नहीं बनाना है। तो अभी देखिए हमने यहाँ चीनी को डाल दिया है। अगर आप ज़्यादा चीनी डालना चाहते हैं तो आप इसमें 1/2 किलो से भी ज़्यादा चीनी डाल सकते हैं। अभी ये कुछ फटा फटा हुआ सा लग रहा है तो हमने यहाँ पर सोडा डाल दिया है इसमें, जो मीठा सोडा बेकिंग सोडा होता है 2 पिंच डाल दिया है। उससे क्या होगा, आपका जो रबड़ी है, ये जो दूध है, ये फटा फटा नहीं दिखेगा, चिकना दिखेगा। ये देखिए, अब इसको हमें धीमी आँच पर चलाना है। अगर आप फ्लेम को हाई कर देंगे तो ये रेड हो जाएगा यानी कि कलर इसका डार्क हो जाएगा। ये इलायची का पाउडर है जिसे मैंने थोड़ी सी चीनी के साथ में पीस लिया हुआ है। ये देखिए इलायची का पाउडर डाल दिया है, कुछ इस तरह का गाढ़ा हो गया है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा बाद में, लेकिन अगर बाद में आप इसको धीरे से ही बनाएंगे धीमी आंच पर तो ज़्यादा सही रहेगा। ये देखिए बिल्कुल टाइट हो गया है चीनी मेल्ट होने के बाद में। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम कलर वाली बनाने जा रहे हैं। तो हम 1/3 पार्ट को कढ़ाई में ही रखेंगे और 2 हिस्से हमने इसके कटोरी में निकाल लिए हैं। यहाँ पर हम ग्रीन फूड कलर डाल रहे हैं, जो फूड कलर आता है मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है, तो उसको हमने यहाँ पर डाला हुआ है और इसको मिक्स कर दिया है। अब हम कुछ इस तरह का बर्तन लेंगे। ये देखिए चौकोर मैंने लिया हुआ है, इसमें मैंने घी लगा दिया है नीचे, घी से ग्रीस कर दिया है। और देखिए एक लेयर हमने इसकी बना दी है, दूसरी लेयर ये देखिए हम वाइट रखेंगे, इसलिए जो हमने 2 हिस्से निकाले थे उसी का हमने आधा इसमें डाल दिया है। और कटोरी में जो हमने निकाला था आधा वाइट रखा है और आधा इसको हमने फिर से कढ़ाई में निकाल लिया है। और अभी हमने गैस को बंद रखा हुआ है, बस हम इसको ठंडा कर रहे हैं चलाते हुए। और इसमें ऑरेंज कलर को मिला दिया गया है, जैसे ही ऑरेंज कलर वाला मिक्स हो जाएगा, थोड़ा टाइट हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा ठंडा होकर, तो हम इसको भी फैला देंगे बराबर बराबर क्वांटिटी में। ये देखिए तीनों लेयर को अब हम यहाँ पर डाल दे रहे हैं। ये देखिए तीनों लेयर हमने लगा दिए हैं यहाँ पर। और अभी ये बिल्कुल ठंडा, बहुत ज़्यादा टाइट ना करें कढ़ाई में, थोड़ा ढीला ही रहने दें, तो उससे मिठाई आपकी बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी। और हमने 1 घंटे बाद इसको अभी हम काट ले रहे हैं, तो अभी बहुत आसानी से कट जा रही है। बाद में हम इसको 1-2 घंटे के लिए और छोड़ देंगे तो ये आसानी से निकल आएगी और सेट भी हो जाएगी। तो ये देखिए, बस इसके मन चाहे आप पीस काट लीजिए, बहुत ही अच्छी बर्फ़ी है, बिल्कुल इतनी सॉफ्ट है इसमें, और सिर्फ चीनी और दूध से ही बन गई है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत आसान तरीका है। बस आप फ्लेम का खास ख्याल रखिए, जैसा मैंने आपको बताया है यहाँ पर कि फ्लेम को, चीनी डालने के बाद आपको फ्लेम बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है। तो अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें।